आईटीआई में हमारे पास करीब 450 लोग उस समय के संविदा कर्मी आए जो अतिथि वक्ता थे। अतिथि वक्ता का मतलब जो है वो 50 रुपए पर डे में, कुछ लोग 100 रुपए पर डे में आईटीआई का ट्रेनिंग देने का काम, पढ़ाने का काम बच्चों को करते थे। वो अरेज हो गए थे, उसमें भी मैंने प्रस्ताव रखा और चूंकि सीधी भर्ती हो रही थी, मैं एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का था, तो मैंने मंत्री जी से उस समय बात की। उस समय पाटा प्रसाद पांडे जी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर थे। मैंने कहा कि भाई ये गलत हो रहा है, आप जो इनकी सीधी भर्ती करने के बजाय जो पहले 450 लोग हैं उनको सीधे पहले नियमित करो, उसके बाद बाकी लोगों की भर्ती करो। नहीं माने, मैंने वहां पर जो है एक लेटर लिख करके मुख्यमंत्री को, श्रम मंत्री को दिया और एक लेटर मैंने उन अतिथि वक्ता लोगों को भी दे दिया। वो लोग हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट में जाकर के उनको भेजा, वो जो है नियुक्तियां रुक गई, सीधी भर्ती नहीं हो पाई। आज वो कम से कम वहां पढ़ाने का तो काम करते हैं। तो ऐसे इस तरीके से चीजों से मैं तो किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, कर्मचारियों के लिए, संविदा कर्मी के लिए, आप सब लोगों के लिए मैं इसकी तरीके से पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हूं। और मुझे तकलीफ होती है कि मनरेगा में काम करने वाला मजदूर कितना पैसा पाता है एक दिन में, 175 रुपए पाता है। और वो मनरेगा में काम करने वाला मजदूर अगर उसको लगातार काम दिया जा रहा है तो उसमें और आप में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं रह जाता, और हो सकता है वो ज्यादा हो जाए आप कम हो जाए, इस तरीके का हो जाता है। तो जो मिनिमम मजदूरी है, न्यूनतम मजदूरी है, उसका कानून बना है, वो न्यूनतम कानून, मुझे, मेरी सरकार है, मुझे नहीं बोलना चाहिए, मगर बोल मैं इसलिए रहा हूं कि मैं आपका समर्थक हूं, आपके साथ अन्याय होगा तो मैं आपके साथ ही खड़ा नजर आऊंगा। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो श्रमिक कानून बना है, जो न्यूनतम कानून बना हुआ, न्यूनतम वेतन बना हुआ है, वो न्यूनतम वेतन मान सबके ऊपर लागू होना चाहिए, न्यूनतम मजदूरी सबको देनी चाहिए। और इसीलिए कानून बनाया गया, अगर वो नहीं दिया जा रहा है तो श्रम नीतियों का पालन नहीं है। उन श्रम नीतियों को पालन कराने के लिए अलग से लेबर एक्ट बनाया गया, लेबर कोड बनाया गया है, जिसमें जहां पर कानूनी कार्रवाई होती है उनका अनुपालन होना चाहिए। लेकिन कभी कभी लोग इस पर ध्यान नहीं देते। हमने उस समय इसीलिए 3 अप्रैल 2016 को हमने एक नारा दिया कि जो अधिकार दिलाएगा वही सरकार चलाएगा, और वो अधिकार दिलाने के सवाल को लेकर के आज भी वो नारा पूरी तरह जिंदा है, निश्चित तरीके से जिंदा है, और आपके वो अधिकार मिलने चाहिए। इसके लिए लगातार मैं बात करता हूं और 3 अप्रैल को मैं इस सवाल को आप सब संविदा कर्मियों को लखनऊ में इकट्ठा करने के बाद भी, झूलेलाल मैदान में आपके सब वो इकट्ठा करने के बाद भी मैं उसको पार्लियामेंट में भी उठाने का काम किया। मैंने पार्लियामेंट में सभी संविदा कर्मियों की बात की है, अकेले आपकी बात नहीं की, सभी संविदा कर्मियों की मैंने पार्लियामेंट में, लोकसभा में